हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट ईयर रिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हुक 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, स्टूड, स्टॉपर और स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोज बनाएंगे। एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 37 चेन बनाएंगे। 37 चेन बना लिए, स्किप 3 चेन, 1, 2, 3, 4 चेन में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट 3 चेन, 1, 2, 3, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, जहां हमने 1 ट्रिपल क्रोशे बनाए वहां स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट 3 चेन, 1, 2, 3, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह से 4 पैटर्न्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, 4 पैटर्न्स हमने बना लिए। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, अब पैटर्न चेंज करेंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट 3 चेन, 1, 2, 3, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से चेन बनाएंगे, 1, 2, 3,
सेम स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट थ्री चेन, वन टू थ्री, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, इससे पहले हम कलर चेंज करेंगे। थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, सेम पैटर्न में इस कलर में टू पैटर्न्स बना लेंगे। सेम पैटर्न में टू कलर्स में फोर पैटर्न्स बना लिए। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, फिर से चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, सेम स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट 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 थ्री चेन, वन टू थ्री, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। इस थ्रेड को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से इसे हमें बना लेना है। नेक्स्ट फ्लावर वर्ड बनाएंगे। एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, स्किप थ्री चेन, फोर्थ चेन में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। वन ट्रिपल क्रोशे, टू ट्रिपल क्रोशे, थ्री ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में थ्री ट्रिपल क्रोशे, वन टू थ्री, नेक्स्ट स्टिच में थ्री ट्रिपल क्रोशे, वन टू
नेक्स्ट स्टिच में थ्री ट्रिपल क्रोशे, वन टू थ्री, नेक्स्ट थ्री चेन वन टू थ्री, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से इसे बना लेना है। नेक्स्ट इसे बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन वन, इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, थ्री सिंगल क्रोशे, इस तरह इस रिंग में 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, स्किप वन चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, स्किप वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच, फिर से चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, स्किप वन चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, स्किप वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। स्किप वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, मिडिल में हुक डालेंगे, दोनों थ्रेड को हम इस तरह से नीचे ले आएंगे, से खींचकर टाइट करेंगे, इस तरह से इसे बना लेना है। नेक्स्ट स्टूड लगाने के लिए एक सर्कल बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन यानी वन डबल क्रोशे, नेक्स्ट रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, टू डबल क्रोशे, रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशे, रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, फोर डबल क्रोशे, इस तरह रिंग में 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। 15 डबल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से इसे बना लेना है। नेक्स्ट इसमें स्टार्च अप्लाई करेंगे, बैक साइड में हमें स्टार्च अप्लाई करना है, इसे सेप देंगे,
हुक की हेल्प से मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, शेप देंगे, से हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे, इसे शेप देंगे, से ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें भी हम बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे, इस तरह से शेप देंगे, सारे पैटर्न्स में इस तरह से स्टार्च अप्लाई करेंगे, शेप देंगे, इस तरह से स्टार्च अप्लाई करना है, शेप देना है, इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, इस तरह से इसे रोल करेंगे, इस तरह से चिपका देंगे, इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम इसे इस तरह से डालेंगे, बैक साइड में हुक डालेंगे, थ्रेड को इस तरह से निकाल लेंगे, नेक्स्ट मिडिल में इस तरह से ग्लू डालेंगे, दोनों थ्रेड को खींचेंगे, इसे चिपका देंगे, इस तरह से इसे हमें बना लेना है। नेक्स्ट बैक साइड में यहाँ ग्लू लगाएंगे, इस तरह से इसे रोल करेंगे, फिर से बॉर्डर में इस तरह से ग्लू लगाएंगे, इसे रोल करेंगे, ग्लू लगाएंगे, इसे हम रोल करेंगे, यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे इस तरह से चिपका देंगे, इस तरह से इसे चिपका देना है। नेक्स्ट सर्कल लेंगे, इसमें बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, दोनों थ्रेड को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड है कट कर लेंगे, मिडिल में ग्लू लगाएंगे, स्टूड लेंगे, इसे हम मिडिल में डालेंगे, इस तरह से इसे चिपका देंगे। नेक्स्ट इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड है कट करेंगे, इसमें भी एक्स्ट्रा थ्रेड है कट कर लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे, नेक्स्ट इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, बॉर्डर में ग्लू लगाएंगे, फ्लावर लेंगे, इसे हम इस तरह से चिपका देंगे,
यहाँ थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसके ऊपर इसे इस तरह से चिपका देंगे। यहाँ ग्लू लगाएंगे, इसे भी हम इसके साथ इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से इसे चिपका लेना है। नेक्स्ट इसमें स्टॉपर डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारे दोनों इयररिंग्स रेडी है, आप भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है ये।